एक तो भक्ति गाना, ऊपर से पवन सिंह का गाना। ए भोले बाबा खोली ना, यार सच बताना, आपको नहीं लगता है पवन सिंह जैसे जैसे अपने गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका आवाज और प्यारा होते जा रहा है? ने मेरे दिल की बात बता दी। चलिए वो सब तो ठीक है, गाने की स्टोरी बताते हैं, और स्टोरी इतनी छोटी और इतनी प्यारी है ना कि आपको क्या बताएं। लेकिन हाँ, छोटी स्टोरी से ये मत समझ लेना कि गाने में दम नहीं होगा। बस स्टोरी इतनी सी है कि शिव जी सोए रहते हैं और पार्वती माता आती हैं और अपने भाव से, अपने व्यवहार से शंकर जी को उठाने की कोशिश करती हैं और अपने शब्दों के वाणी से भाव को प्रकट करती है। और ओ माय गॉड, मतलब यहाँ सारा एक एक वर्ड फील होता है, इतना प्यार से बोलती हैं पार्वती माता। भोले बाबा खोली ना हो नया नावा। मतलब देख रहे हो हमारा हिंदू धर्म कितना प्राचीन, कितना विख्यात और कितना ज्यादा, मतलब उसमें टॉपिक्स हैं कि आदमी अगर चाहे तो क्या क्या बना सकता है। बड़ी बड़ी फिल्म, बड़ा बड़ा ड्रामा, बड़ा बड़ा गाना, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल एक छोटे से कण से हम आपको देना चाहेंगे। लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगता है और राम जी गोद में सुला लेते हैं लक्ष्मण जी को, और राम जी के अंदर से जो भाव निकलता है उस पे देखिए पवन सिंह ने कितना ज़्यादा कमाल का गाना गाया है। मतलब ये गाना बज रहा है, लेवल पे बज रहा है, और सेम उसी तरीके का गाना यहाँ भी है। मतलब यहाँ पे शंकर जी सोए हुए हैं, भोर हो गया, कोयल बोलने लगी और पार्वती माता आती हैं शंकर जी को उठाने, और उस समय जो भाव दर्शाती है ना, ओ हो मतलब सुनो तो सही आप एक बार। भोले बाबा खोली ना हो नया नावा। अब आते हैं वीडियो के क्वालिटी पे, और वीडियो क्वालिटी सच पूछे तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब सीरियसली 2008 में जिस तरीके से भक्ति सॉन्ग को बनाया जाता था, जिस तरीके से भक्ति सॉन्ग को दर्शाया जाता था, आज के समय में भी पवन सिंह ने सेम घिसा पिटा कॉन्सेप्ट देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरा एक चीज और हमको बहुत ज्यादा बुरा लगा, और वो बुरा लगना ये था कि हमने तस्वीरों के माध्यम से पार्वती माता को ऐसे देखा है, और जरा सोचिए कि इस तरीके से पार्वती माता को दिखाना, इतना ही नहीं ये तक पार्वती माता को दिखाना कहाँ तक सही है, आप इस बात पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। तौबा तौबा तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। और एक होता है ना क्वालिटी, मतलब एकदम शीशा की तरह 4K में दिखना, भले 4K में रेंडर तो कर दिया गया इस वीडियो को, लेकिन 4K वाला फीलिंग्स नहीं है, अच्छा से ग्रीन स्क्रीन को नहीं हटाया गया है, साफ तौर पे आप वीडियो में ग्रेन देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बारी पार्वती जी का वीडियो क्लिप देखिए किस तरीके से ब्लर्ड इमेज है। तो भक्ति गाने में ग्रीन स्क्रीन पे थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट निकल के आपके सामने आ सके। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। अब देखिए गाना आया, पवन सिंह का गाना आया, तो विवाद तो होना ही था, और विवाद जानते हैं क्या होता है, ये होता है रितेश पांडे के गाने का एक लाइन सुनिए। ए भोले बाबा खोला ना हो के बढ़िया हम दरस। रुको रुको रुको, पवन सिंह के गाने का भी लाइन सुनते जाओ। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नावा। अब आपको लग रहा होगा हे प्रभु हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर में जाइए और सबसे ज्यादा बुजुर्ग इंसान जो होंगे उनसे पूछिएगा कि दादाजी एक बोलबम सॉन्ग पुराना वाला सुनाइए, तो आपको इस धुन पे ही वो सुनाते नजर आ जाएंगे। मतलब ये धुन जो है ना वो पारंपरिक धुन है, और पवन सिंह ने अपने गाने के आने से पहले ही इस तरीके का बात को जनता के सामने रखा था ना कि हम पुराने फ्लेवर को लाने की कोशिश करेंगे, और पुराना फ्लेवर लाएंगे तो पारंपरिक धुन तो होगा ही, और अब पारंपरिक धुन जो है वो सब लोगों ने गाया है, तो इसको अगर आप चोरी का कहते हैं तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे, तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? खैर देवी और सजनों, आपके सामने लेके आ रहे हैं इस गाने का वो सेगमेंट जिसका आपको सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो है इस गाने का नंबर देना। तो आइए इस गाने को नंबर देते हैं, और इस गाने को नंबर दिया जाता है 10 में से पूरे, जी हाँ 9। रुको रुको रुको, एक बात तो बताना ही भूल गए, नेक्स्ट गाने का रिव्यू जो है वो इस गाने पे रिव्यू होगा, तो क्या कर रहे हो? ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।